बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपने आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दे, ना कि आगे के और सपने देखें। इट्स अ वोट, इट इज अ वोट ऑन अकाउंट, द वोट ऑन अकाउंट हैज ओनली वन पर्पस, टू कीप द गवर्नमेंट सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। वॉट इज वरिंग इज that there's a budget deficit of 18 lakh crores, and this means that the government is borrowing in order to fund its expenditure, and this number is only going to increase next year. In so far as the rest is concerned, we'll give a very detailed reply during the discussion on the budget. The budget to July mein aayega, and the budget mein koi aisi baat nahi. Kya beneficial cheeze thi agar aapko laga ho ya jo batana chahiye? Mujhe kuch batana nahi hai, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो कामें हैं वो करनी है, ठीक है चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। मोदी सरकार के बजट पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि गरीब के जीवन में परिवर्तन हो इस आधार का बजट आया, महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, जय अनुसंधान नया नारा नई दिशा तय करेगा। हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाओं को पंख लगाएगा और 2047 तक ये देश दुनिया का सिरमौर बने, पांचवी अर्थव्यवस्था से हम आगामी कुछ ही वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, उद्यमियों को और सामान्य वर्ग को समर्पित ये बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक घरों में जो गरीब के घर, उनमें 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिले, ये गरीबी उन्मूलन का एक नया क्षेत्र में प्रवेश है। मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर निकल चुके हैं। एक नया नारा हिंदुस्तान बदलते हिंदुस्तान के अंदर अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में नभ से लेकर थल और थल से लेकर भूगर्भ तक। कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति के अंदर जो कॉरिडोर बन रहे हैं उसका लाभ राजस्थान को होगा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान को बजट में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला, जबकि 2 बार राजस्थान से 25-25 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे गए। नहीं पाए, कहीं नहीं राजस्थान को, तो क्या बताएं आप बताओ। अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं। ये तो 2 बार 25-25 एमपी जीत के चले गए और कुछ ला नहीं पाए। और जो हमारी ईआरसीपी थी जिसमें 3510 एमसीएम पानी मिलना था, उसको भी ये केपीसी में संशोधित करा के केपीसी के तहत 2400 एमसीएम पानी ला रहे हैं। तो जो चीज पहले इन्होंने तय की थी वही ये नहीं ला पा रहे हैं, तो नई चीज क्या लाएंगे? पेट्रोल डीजल पे भी समीक्षा करने की बात की। कोई 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 पैसा नहीं घटाएंगे, महंगाई कम करना इनका उद्देश्य नहीं है,
बेरोजगारों को रोजगार देना इनका उद्देश्य नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा कैसे ठीक हो, ये इनका उद्देश्य नहीं है। इनको तो धर्म के नाम पे लड़ाना है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है और परेशान करना और सत्ता पे बरकरार। निर्मला सीतारमण कह रही है विकसित भारत जल्दी बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। मोदी जी 2047 में बता रहे हैं, ये रहेंगे क्या 2047।